हे गाइस नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। दोस्तों आज मैंने कुछ 5 बुक्स मंगवाई है, जो कि 3 तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, 2 मैंने अमेजोन से मंगवाई है और 3 जो बुक्स थी मैं उनके बारे में थोड़ी जानता था कि कैसी किस तरह की बुक्स है, लेकिन जो 2 बुक्स मैंने मंगवाई है अलग से मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता वो किस तरह की बुक है, उसमें क्या लिखा हुआ है या किसने लिखा है। नहीं, ये तो जानता था कि क्या लिखा है किसने लिखा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि इस पर कैसा लिखा है और किस तरह का लिखा गया है। तो मैंने 2 बुक्स ऐसी मंगवाई है और 3 बुक्स के बारे में पर्सनली जानता था कि हाँ ये बुक्स किस तरह की है। तो चलिए इस छोड़दार इस खजाने को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और दोनों में से देखता हूँ कि किसने अच्छे से पैक करके दिया है और किसने अच्छे से पैक करके नहीं दिया है, बाकी ये भी देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो है शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, सबसे पहले फ्लिपकार्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फ्लिपकार्ट वाले ने कैसा, और अनबॉक्सिंग के लिए मैं कुछ टूल्स यूज़ करने वाला हूँ। खोल कर ही देख लेते हैं। तो मैं इधर से इसको कट करता हूँ, इधर से। ओके, रुक जाना नहीं, निशांत जैन की। निशांत जैन जो कि टॉपर रह चुके हैं हिंदी साहित्य से UPSC के, और बुक की हालत थोड़ी सी ख़राब है। यहाँ से कोना अच्छा सा मुड़ा हुआ है और ऊपर का जो कवर है उस पर भी स्क्रैचेस टाइप लगे हुए हैं। ठीक है, किताब की वैसे हालत तो ज़्यादा बुरी नहीं है। रुक जाना नहीं निशांत की एक किताब है जिसमें युवाओं को प्रेरित किया गया है अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, कि कैसे वो काम करें, और इसमें कुछ कहानियाँ भी है जिसका रिव्यू मैं धीरे धीरे आपके तक लेकर आता रहूँगा। इसमें जो पहले बुक अनबॉक्स होगी उसका रिव्यू ही सबसे पहले आएगा। तो ये है निशांत जैन की रुक जाना नहीं, इसको हम फेंकते हैं साइड में। और कुछ था कि नहीं था उसमें, बाद में देखेंगे। ये फर्स्ट बुक आपकी रुक जाना नहीं। उसके बाद में आती है डार्क हॉर्स। ओके, डार्क हॉर्स को ओपन कर लेते हैं आराम से। डार्क हॉर्स जिसे लिखी है नीलोत्पल मृणाल ने, ये उनकी पहली कृति है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। पहली ही कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। और इनकी दूसरी जो किताब है वो है ओगड़, जैसे कि मैं रिव्यू कर चुका हूँ, और इसकी काफ़ी अच्छी हालत है वैसे देखने में। इसमें जो है UPSC की तैयारी कर रहे युवाओं का सफ़र जो कैसा रहता है उसके बारे में बताया गया है, तो इसका रिव्यू इसके बाद आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें कुछ और है तो नहीं, देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट वालों की बड़ी बेकार सी रहती है यार, ये कौन सी पैकिंग की है। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी सही लग रही है मुझे, तो इसका अपन कट मारते हैं कहां से। ओह माय गॉड, बुकमार्क लेकिन बहुत ही बुरी हालात में। चलो कुछ तो दिया। इसके ऊपर लिखा हुआ है हूज केयर्स नोबडी इज जस्ट द थ्रिलर यू आर रीडिंग। लौंडे शेर होते हैं, इसको एक मिनट फाड़ना है, और कुछ भी नहीं। सॉरी, वाओ कवर काफी अच्छा है,
कुशल सिंह ने इसे लिखी है, कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, हिंदी युग में ने छापा है और है लौंडे शेर होते हैं। अब ये जो है मैंने बस इसके कवर से मैंने खरीद ली थी कि लौंडे शेर होते हैं तो भाई कैसे शेर होते हैं, हम भी देखना पढ़ना चाहते थे तो मैंने इसको खरीद ली। इसको आगे पढ़ेंगे देखेंगे, ये हो गए तीन। अब आती है अमेज़न की बारी, देखते हैं कि ये पैकिंग्स कैसी देते हैं। तो इसको भी कट लगा लेते हैं। ओके 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 दोस्तों, मैं यहाँ कर रहा हूँ सील को ब्रेक, तब तक आप कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ये है 12th फेल, काफ़ी अच्छी है, बाकी कुछ भी नहीं है, खाली है 12th फेल। वाओ, इधर का थोड़ा सा सरफेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो बुक है मुझे फर्स्ट कॉपी लग रही है इसकी, तो मैं शायद इसको चेंज करवाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल इनकी जो शब्द हैं बिल्कुल अलग से लग रहे हैं मुझे, और इसके पेजेस भी काफ़ी हल्के लग रहे हैं। तो शायद ये जो है मेरे पास फर्स्ट कॉपी आ गई है, डुप्लीकेट आ गई है, तो मैं इसको चेंज करवाऊंगा, अमेजन को डिसलाइक एक। इसको देखते हैं ये कहानी किसकी है। ये कहानी एक DIG की है, एक IPS ऑफिसर की है, और वो भी अपने बारे में बताते हैं इस किताब के अंदर, तो हम आगे जानेंगे इस किताब के बारे में। नेक्स्ट बुक है भली लड़कियां बुरी लड़कियां। काफी टाइट है, फटना तो चाहिए ना। भली लड़कियां बुरी लड़कियां, ये किताब भी मैंने सिर्फ इसकी जो कवर है वो देख के खरीद ली थी, बाकी और तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसकी जो कहानी क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। अनु सिंह चौधरी ने इसे लिखा है, हिंदी पब्लिशर ने इसे छापा है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही किताब जो है वो शायद न्यूलाइट से पब्लिश हुई है, बाकी ये चारों किताबें हिंदी युग्म से प्रकाशित हुई है, और ये हिंदी युग्म की तरफ से कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं आप इसकी, और आपको थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस कर पाए तो ठीक है, वरना मुझे जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी बुरी लगी है। अमेज़न ने मुझे डुप्लीकेट कॉपी पहुँचाई है, ये दिख तो रही है कि हाँ ओरिजिनल है, बट मुझे इसकी कॉपी जो है वो डुप्लीकेट लग रही है, तो मैं इसको चेंज करवाऊंगा शायद, या फिर अगर पढ़ने पर अच्छी लगी तो ठीक है, अब यार क्या कर सकते हैं। तो ये थी 5 किताबें, पहली है रुक जाना नहीं, जिसे लिखा है निशांत जैन ने, उसके बाद सबसे पहले इसका रिव्यू आएगा, उसके बाद डार्क हॉर्स, फिर आती है लौंडे शेर होते हैं, सच में शेर होते हैं, इसको तो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, उसके बाद में 12th फेल, मैं भी 12th फेल ही हूँ, उसके बारे में मैं इस बुक का ना 2 वीडियोस लेकर आऊँगा। इसमें सबसे पहले तो इसका रिव्यू दूंगा 12th फेल का, जो कि किस तरह की किताब है वो बताऊँगा मैं, और सेकेंड में मैं खुद एक 12th फेल हूँ, सच में मैं 12th फेल हूँ, तो आगे की जो कहानी है वो आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं इस किताब के ऊपर 2 वीडियोस लेकर आऊँगा। और उसके बाद में भली लड़कियाँ बुरी लड़कियाँ, ये काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है मुझे पहली बार, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो इन सब 5 किताबों को मैं पढ़कर आपको बताता हूँ कि कैसी है,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा आपको। पसंद आ गया हो तो एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए द किताबवाला चैनल को, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं एक बुकमार्क के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।